हाँ तो भाइयों, स्वागत है तुम्हारा ट्रू टैंक टेल में। ऑलमोस्ट एक साल बाद यहाँ पर, अब क्या ही कर सकते हैं। तो चलो वापस शुरू करते हैं। तो काजिया जो मर गया था, अगर तुमने इस वीडियो को पार्ट वन नहीं देखा है, और हाँ जिसको नहीं पता ये वीडियो पार्ट टू है अपने लास्ट काजिया वाले वीडियो की, तो अगर वो नहीं देखा है तो क्या ही कर रहे हो। पर रुक जाओ, भगा नहीं रहा हूँ, तुम देख सकते हो, तुम बिल्कुल देख सकते हो, बस आगे जाके मुझे मत कह। और ओरिजिनली मरे ही रहने वाला था, पर क्योंकि उसके फैंस ने बोला नहीं और डायरेक्टर भी बोल ही गया, तो उसका जो नतीजा आया वो हमारे सामने। तो वापस स्टोरी रीजंस पे चलते हैं, क्योंकि जस्टिफिकेशन भी तो देनी है। तो एक जी कॉर्पोरेशन नामक कंपनी उसी ज्वालामुखी पे पहुंचते हैं, काशिया को उठाते हैं, लैब में लेके जाते हैं, टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और जिंदा करना चालू करते हैं, क्योंकि क्यों नहीं। और इससे काशिया, जिसका बचना सही में मुश्किल था, बचते बचते बच ही जाता है। और ये कारनामा पूरे 20 साल तक चलता है, शायद उससे ज्यादा ही, जिसका मतलब है टेकन 3 के सारे कांड इसी बीच में होते हैं, जिसकी स्टोरी मैं यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें काजुया नहीं है। तो अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसकी स्टोरी जानने के लिए तो ये, क्योंकि क्या ही मतलब है, पर रो मत, बेसिक तो बता ही सकता हूँ। तो याची अपने बुढ़ापे से तंग आकर एक और टूर्नामेंट रखता है, उसका पोता स्लैश काजिया का बेटा जिन उसमें पार्ट लेता है, ओगर एक देवजी को पेलने की इंटेंशन से, क्योंकि उसने काजिया की बीवी स्लैश जिन की माँ की सपोजिटली हत्या की होती है। तो यहाँ तक क्लियर है, सही। तो एंड में जिन ओगर को पेल देता है, याची जिन को पेल देता है, जिन खुद डेवल बन के याची को पेल देता है और एक लंबी उड़ान पकड़ के खुद उड़न छोड़ लेता है। तो जब अब ये खत्म हो गई है तो एक ऐसी गेम पे चलते हैं जिसमें हमारा टाइटल नामक कैरेक्टर है। हाँ, तो टेकन 3 के कांड के बाद याची की बुद्धि काफी समझ में होती है, तो वो क्या करता है कि वो फतवे जारी करवा देता है, या तो पोता लाओ या बेटा, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। क्या मुझे नहीं पता, बस कुछ तो मिलना चाहिए। हाँ, जो खैर उसको मिलता भी है एक तस्वीर के रूप में, जो होती है एक भुने हुए लौंडे की, जिसपे ईट कोटी का जोर लगा के भी वो जिंदा है। तो याची अपने टेकन फोर्स भेजता है उसकी बॉडी लाने के लिए, लेकिन वो उन सब कोई बॉडी कर देता है। तो वो एक और टूर्नामेंट छिड़ देता है और फिर वही बंदे आते हैं, मरते हैं, मारते हैं, जीतते हैं, हारते हैं वगैरह। बस फर्क इतना होता है कि इस बार बाप और बेटे दोनों अखाड़े में उतरते हैं दादा को पेलने के लिए, जो वो पेल भी देते हैं। पर फिलहाल अभी काजिया पे चलते हैं। काफी सारी फाइटिंग के बाद काजिया पहुंच ही जाता है अपनी सेमीफाइनल फाइट पे, जहाँ पे उसे लड़ना तो होता है अपने बेटे जिन कजामत से, पर वो लड़ता है सिर्फ अपनी तन्हाई से, जिसका मतलब उसे याची की तरफ से चिट्ठी मिलतेगी, क्योंकि जिन लापता है तो इरान तुम जीतते हो, तो अपनी तशरीफ उठाओ और यहाँ लेके आओ, जो वो करता भी है। और याची से मिलते ही उसे पेल देता है ये नया है, जिसके बाद वो दोनों बाप बेटे मिलके जाते हैं पोते के पास उससे बात करने। ना करेंगे भी कैसे, वो तो बेहोश है। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, याची की एक और कांडी हरकत थी जिसमें जिन को अगवा करके काजिया को रिझाने का प्लान था, पर अपना काजिया तो सच लौंडा ठहरा, एक्सेप्ट दैट वन टाइम। तो वही अपना डेविल बाहर निकाल के आग दिखा के उसका मादर चाप बना लेता है, जिसके बाद काजिया डेविल के बीच में एक आपसी मुठभेड़ होती है जिसमें काजिया जीत जाता है, शायद। सेम चीज जिन पे भी आजमाता है, पर जिन तो पुल्स है और पुल्स तो आ ही जाती है, तो काजिया भी मॉडिफाई हो ही जाता है। इस कारनामे के बाद याची फिर मौका देख के चौका लगाने आ जाता है और जिन पे लपक लेता है, क्योंकि अगर तुम बेटे को नहीं पेल पाए और पोते ने बेटे को पेल दिया तो तुम पोते को तो पेल ही दोगे ना, है ना। और उसके बाद जो होता है उससे कोई शॉक नहीं होता, एक्सेप्ट याची ऑफ कोर्स, क्योंकि जस्ट लाइक लास्ट टाइम उसी का खून उसी पे डेविल बन के उसी को पेल जाता है और वो घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाता है और जिन उड़ जाता है। और इसी के साथ हमारी कहानी भी खत्म होती है। तो क्या अरे क्या अभी और है, और है हाँ अभी और है, पर वो अगले में, जिसको होपफुली एक साल नहीं लगेगा आने में, और एक चैनल भी। और इसलिए आज यही खत्म करते हैं, और बाकी तो तुम्हें पता ही है। तो पसंद आए तो लाइक कर देना, कुछ कहना हो तो कमेंट कर देना, और ऐसी वीडियो चाहिए तो शेयर कर देना, और सब्सक्राइब के लिए भी कहना पड़ेगा यार, कर दो, बाय।